करनाल के मानव सेवा संघ हाल में हरियाणा कर्मचारी यूनियन की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रोडवेज कर्मचारियों को लंबित पड़ी मांगों को लेकर सरकार की वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। बैठक में रोडवेज तालमेल कमेटी के वरिष्ठ सदस्य दलबीर किरमारा ने बैठक में शिरकत कर रोडवेज कर्मचारियों को संबोधित किया। आज हमें ये बेहद खुशी हो रही है कि जो बलवान दोदुआ जी है, जो पूर्व महासचिव रहे हैं ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के, इन्होंने हमारे साथ तालमेल में पहले भी काम किया है और इनके काम से हम बहुत ही पहले से ही अच्छा महसूस कर रहे थे। इन्होंने जो कर्मचारी आंदोलनों में जो इनकी भूमिका थी वो एक अहम रहती थी, और आज हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ की इन्होंने जो सदस्यता ली है, इससे हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ को और मजबूती प्रदान मिली है। और इसके साथ ही जो रोडवेज कर्मचारियों के लगातार जो आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों में भी एक बहुत बड़ी मजबूती आई है, और इनका हम बिल्कुल पूरी टीम का यहाँ आने पर स्वागत करते हैं। और हम इकट्ठे होकर न और रोडवेज के कर्मचारियों की जो मानी गई मांगे हैं उनको लागू करवाने के लिए, और जिस प्रकार से रोडवेज विभाग में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है उसको बंद करने के लिए, और जो रोडवेज का निजीकरण सरकार करने जा रही है उसको लेके हम बिल्कुल संघर्षरत हैं, और इस लड़ाई को बिल्कुल पूरी तरह से ईमानदारी के साथ हम भाई मिलके लड़ेंगे। आपकी रोडवेज की मुख्य मांगे क्या है? हमारे रोडवेज की मुख्य मांगे, सबसे पहली बड़ी मांग तो ये है कि भाई रोडवेज का जो सरकार निजीकरण करना चाह रही है उसको बंद करके और रोडवेज बेड़े में बसें बढ़ाई जाए। दूसरा हमारी ये है कि जो कर्मचारी लंबे समय से 1992 से लेकर 2002 के कर्मचारी है, उनको सरकार ने बार बार पक्का करने की नियुक्ति तिथि से पक्का करने की मांग को मान रखा है, लेकिन अभी तक लागू नहीं की गई है। और इसी प्रकार से जो टेक्निकल स्केल है, चाहे कर्मचारियों के ACP स्केल हैं, चाहे हमारे जो परिचालक हैं उनके ग्रेड पे बढ़ाने की बात है, चाहे हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी जो बात मांग मान तो ली है, लेकिन उनको अभी तक लागू नहीं किया जा रहा। इस प्रकार से कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के कर्मचारियों को जो बीमा पॉलिसी में 50 लाख की बीमा पॉलिसी में लिया गया है, हमारी मंत्री महोदय से बात हुई थी, उन्होंने भी एक आश्वासन दिया था कि जो भी कर्मचारी कोरोना महामारी से कहीं उनकी डेथ होती है, कहीं मिस हैपनिंग होती है, तो हम उनको 50 लाख बीमा पॉलिसी में लाएंगे। और हमारी मांग है कि उनको जल्द से, जो हमारे 3 या 4 कर्मचारियों की मृत्यु भी हो रही है, उनको मतलब है तुरंत लिया जाए। आपका पूरा नाम? दलबीर किरमारा, रोडवेज तालमेल कमेटी के वरिष्ठ सदस्य, हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान।